दोस्तों दूसरे टी20 महामुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और शिवम दुबे की बल्लेबाजी के सामने निस्तनाबूत हो गई आयरलैंड की टीम। इसके बाद जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करके भारतीय टीम को 33 रन से दूसरा टी20 महामुकाबला जिता दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IPL 369 में। बता दें कि भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और शिवम दुबे की बल्लेबाजी का ऐसा तूफान आया कि आयरलैंड के गेंदबाज खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए। इसके बाद कप्तान बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई की इस घातक गेंदबाजी के आगे पूरी आयरलैंड टीम ने घुटने टेक दिए। तो आखिरकार कैसे दूसरा टी20 महामुकाबला भारतीय टीम ने जीता है, कौन सा हुआ टर्निंग पॉइंट रहा जहां पूरा महामुकाबला पलट गया, दूसरे टी20 का पूरा हाईलाइट इस ब्लॉग वीडियो में बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारत और आयरलैंड के बीच में खेली जा रही 3 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा टी20 महामुकाबला मलाहाइड के क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले की शुरुआत की बात करें तो आयरलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से पहले ओपनिंग करने के लिए यशस जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ उतरे थे और वहीं पर आयरलैंड की तरफ से गेंदबाजी का जिम्मा पहले ओवर में मार्क अधेर नाम के गेंदबाज ने संभाला था, जहां शुरुआत में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ और यशस जायसवाल ने शुरू से ही तूफान मचाना चालू कर दिया था। वहीं पर यशस जायसवाल ने तो 11 गेंदों में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाकर 18 रन की पारी खेली थी। मगर चौथे ओवर में 4वीं गेंद पर चिराग योंग नाम के गेंदबाज ने कर्टिस कैंपर नाम के खिलाड़ी के हाथों इनको कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई और भारतीय टीम को 29 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आते हैं, मगर वह 5वें ओवर में बैरी मकार्थी नाम के गेंदबाज के हाथों जॉर्ज डॉकरेल को अपना कैच थमा बैठते हैं और मैच 1 रन बनाकर वह भी पवेलियन वापस चले जाते हैं, जब भारतीय टीम का स्कोर 34 रन हो रहा होता है। इसके बाद संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में शानदार साझेदारी होती है और इन दोनों ने जिस तरीके की तूफानी बल्लेबाजी की तो भारतीय टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया, जहां पर आज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने 68 की पारी तो खेली, मगर संजू सैमसन भी आए और उन्होंने गगनचुंबी एक छक्का लगा डाला। 5 चौके लगाकर 26 गेंदों में 40 रन की 153 की स्ट्राइक रेट से पारी खेलकर आयरलैंड को चकनाचूर कर दिया। मगर जब भारतीय टीम का स्कोर 105 पहुंचा था और भारतीय टीम संजू सैमसन के रूप में तीसरा बड़ा विकेट खो देती है, जहां बेंजामिन व्हाइट नाम के खिलाड़ी ने उनको बोल्ड आउट करके 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन वापस भेजा और भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगता है। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए तूफानी बल्लेबाज रिंकू सिंह आते हैं। वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ 16वें ओवर तक तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना 68 पूरा कर लेते हैं और अपनी पारी के दौरान 6 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाकर 43 गेंदों में 58 रन की पारी खेलते हैं। मगर 16वें ओवर में पहली गेंद पर बैरी मकार्थी उनको हैरी ट्रैक्टर नाम के खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करा देते हैं और भारतीय टीम को 129 के स्कोर पर 4वां झटका लगता है। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान 58 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट चुके थे। इसके बाद रिंकू सिंह और शुभम दुबे जिस तरीके का तूफान मचाते हैं वह काबिले तारीफ होता है, जहां आज रिंकू सिंह ने तूफान अंदाज जताते हुए 21 गेंदों में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर 180 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 38 रन की पारी खेल दी, भारतीय टीम के स्कोर को 184 तक पहुंचा दिया। जहां रिंकू सिंह को आज 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क अडेर ने चिराग योंग नाम के खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजा, मगर भारतीय टीम जब तक 184 रन बना चुकी थी। वहीं शुभम दुबे ने तो नाबाद रहते हुए 2 गगनचुंबी छक्के 20वें ओवर में जड़ दिए और 16 गेंदों में 22 रन बनाकर भारतीय टीम को एक अहम सहयोग प्रदान किया और अंत में 1 गेंद खेलने के लिए वाशिंगटन सुंदर आए और भारतीय टीम ने 185 रन 5 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर में बना लिए, जहां पर आयरलैंड की तरफ से बैरी मकार्थी ने 2 विकेट लिए जबकि एमआर कैडहर, चिराग योंग और बेंजामिन व्हाइट नाम के खिलाड़ियों को 1-1 विकेट मिला। 186 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी आयरलैंड की शुरुआत बेहद ज्यादा शानदार नहीं रही, जहां शुरुआत में एंड्रयू बलबरी ने और पॉल स्ट्रिंग कप्तान बतौर ओपनर उतरे थे, मगर पारी का पहला ओवर शानदार करते हुए जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। मगर 3रे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, जब शानदार बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड टीम 19 रन बनाकर खेल रही थी, मगर 3री गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा कप्तान पॉल स्ट्रिंग को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 4 गेंदों में बिना कोई खाता खोले पॉल स्ट्रिंग पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 19 के स्कोर पर पहला विकेट मिला। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लॉर्क एंड टकर नाम के खिलाड़ी विकेट कीपर बल्लेबाज आते हैं, मगर इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा इसी ओवर की 6वीं गेंद पर उनको भी खाता खोलने का मौका नहीं देते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कराकर 3 गेंदों में बिना कोई खाता खोले उनको पवेलियन की राह दिखा देते हैं। इस प्रकार मैच 19 रन के स्कोर पर 3 ओवर की समाप्ति पर आयरलैंड की टीम अपने 2 अहम विकेट खो चुकी थी। इसके बाद
बल्लेबाजी करने के लिए हैरी टैक्टर नाम के खिलाड़ी आते हैं, मगर रवि बिश्नोई उनको भी महज 7 रन बनाकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। पारी के छठवें ओवर में बोल्ड आउट करके रवि बिश्नोई ने भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई थी, जहां 28 की स्कोर पर आयरलैंड अपना तीसरा विकेट खोता है। इसके बाद एंड्रयू बेलवेर ने अकेली जमा रहा और उनका साथ देने के लिए कॉर्टिस कैम्फर नाम का खिलाड़ी आता है, जहां पर शानदार 18 रन की पारी खेली रहे थे। जब आयरलैंड की टीम का स्कोर 63 रन होता है, 10वें ओवर में रवि बिश्नोई आखिरी गेंद पर शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कराकर कॉर्टिस कैम्फर को पवेलियन की राह दिखाते हैं और 63 की स्कोर पर चौथा झटका आयरलैंड को लगता है। 18 रन बनाकर कैम्फर नाम का खिलाड़ी पवेलियन लौट चुका था। इसके बाद एक तरफ एंड्रयू बेलवेर ने नाम का खिलाड़ी 68 जमा चुका था, मगर दूसरी तरफ उनका कोई साथ नहीं दे पा रहा था। जॉर्ज डॉकरेल नाम का खिलाड़ी आता है तो रवि बिश्नोई उनको पारी के 15वें ओवर में रन आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और 115 के स्कोर पर आयरलैंड टीम 5वां विकेट खोती है और जॉर्ज डॉकरेल नाम का खिलाड़ी 13 रन बनाकर पवेलियन वापस चले जाता है। इसके बाद 16वें ओवर में अर्दीप सिंह शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे घातक साबित होने वाले एंड्रयू बेलवेर ने नाम के खिलाड़ी को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं, मगर एंड्रयू बेलवेर ने आज 51 गेंदों में 5 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाकर भारतीय टीम के खिलाफ 72 रन की पारी खेल दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि भारतीय टीम को यह पीछे कर देंगे और 123 के स्कोर पर आयरलैंड टीम को छठवां झटका लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मार्क अधेर और बैरी मकार्थी होते हैं, जहां पर पारी के 17वें ओवर में ही 4थी गेंद पर जसप्रीत बुमराह रवि बिश्नोई के हाथों बैरी मकार्थी, जो कि पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे, उनको 2 रन पर कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। आयरलैंड को 126 के स्कोर पर 7वां झटका लगता है। यहां पर मार्क अधेर नाम का खिलाड़ी 20वें ओवर तक 15 गेंदों में 23 रन बनाता है, मगर आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह 4थी गेंद पर तिलक वर्मा के हाथों उनको भी कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं, जब आयरलैंड महज 148 रन 8 विकेट खोकर बनाई थी और भारतीय टीम इस महामुकाबले में 8 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में आयरलैंड को 152 रन बनाने देती है और भारतीय टीम ने 33 रन से यह महामुकाबला जीत लिया, जहां पर कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट अपने नाम की, रवि बिश्नोई को 4 ओवर में 37 रन लौटाकर 2 विकेट मिले, अर्शदीप सिंह ने एक अहम विकेट चटकाया। भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस महामुकाबले को 33 रन से जीता ही। साथ में तूफानी बल्लेबाजी करने वाले रिंकू सिंह, जिन्होंने आज अंत में आकर तूफानी 21 गेंदों में 38 रन की जो पारी खेली थी, उसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया और अपने शानदार टी20 करियर का उन्होंने आगाज किया है। वहीं पर भारतीय टीम ने 2-0 से इस श्रृंखला को पहले ही अपने नाम कर लिया है। अब इस श्रृंखला का आखिरी महामुकाबला खेला जाने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इस महामुकाबले में भारतीय टीम की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।